योग दिवस के दौरान अहमदपुर के पंचायत चावली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा खेल मैदान में अपनी ब्लॉक की टीम के साथ उतरे। विकास खंड अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने ग्रामवासियों के साथ योग किया। इस खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग मास्टर सुनील गोला कृष्णा नोवाल ने समस्त ग्रामवासियों एवं युवा व बुजुर्गों के साथ योग किया और विशेष संदेश दिए। एतमादपुर में योग दिवस के मौके पर विकास खंड अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ग्राम पंचायत चावली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा खेल मैदान में अपनी ब्लॉक की टीम के साथ योग किया। विकास खंड एतमादपुर के ग्राम पंचायत चावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग मास्टर सुनील गोला कृष्णा नोहार ने समस्त ग्रामवासी और युवाओं बुजुर्गों को योग के विषय में बताया। वहीं योग के फायदे भी बताए कि जैसे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर छोटी उंगली के नाखून को दबाकर रखें, ब्लड प्रेशर हाई होने पर अंगूठे के बराबर वाली उंगली को दबाकर रखें, दिमाग में टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने पर अंगूठे के नाखून को दबाकर रखें। साथ साथ कई आसन और योगासन व एक्सरसाइज के माध्यम से इंसान को स्वस्थ फिट रहने के आसान तरीके बताए। इसी कार्यक्रम में शामिल बाबा जयगुरुदेव के शिष्यों ने सभी ग्राम व क्षेत्रवासियों से अपील की, अगर आप अंडा, मांस, मछली, मीट, शराब का सेवन छोड़ देंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती है, आप स्वस्थ शरीर और फिट दिमाग रहेंगे। प्रभु का भजन ध्यान करना चाहिए और उस अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये जीव आत्मा दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी है, ये बेचारी 84 लाख योनियों में, कुत्ता में, बिल्ली में, गधा में, घोड़ा में, कीड़े में, मकोड़े में कब से जन्मते मरते चली आ रही है। इस जीव आत्मा को बचाओ, इस पर रहम करो और रहम करके भजन ध्यान करके उस मालिक का नाम लेकर के और अपने घर की तैयारी करो। जय। आज आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो खेल मैदान है चावली स्थित है, यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए, क्यों एकत्रित हुए, क्या था उद्देश्य? ये तो मेरे प्रेमी थे, मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने फोन किया था तो मैं आया, वहाँ से तो ये लोग मिले मुझे, यहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या कार्यक्रम था आज? यह कार्यक्रम योग आसन सिखाया गया था, हमारे प्रेमी भी थे, उन्होंने भी सिखाया, उनको जानकारी है, और भी प्रेमी आए थे, उन्होंने योग आसन सिखाया, बहुत अच्छा लगा। ठीक, धन्यवाद सर। आज ये खेल मैदान में कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस पार्क चावली में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे बीच में एडीओ साहब हैं, सचिव साहब हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, योगा प्रशिक्षक भी यहाँ मौजूद रहे, सभी लोगों को योगा सिखाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जागरूकता बढ़ानी है कि योग के माध्यम से हम एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन पा सकते हैं। इसको एक संदेश देना चाहोगे युवाओं के लिए? ये सभी लोगों की जीवन पद्धति का अहम हिस्सा होना चाहिए, हम लोगों को कुछ समय योग के लिए देना चाहिए, इससे हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं, जिससे हम जो भी काम करते हैं उसे हम अधिक दक्षता के साथ पूरा कर सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं सुनील कुमार बोला बहरेन से हूँ, मैं और बोला थेरेपिस्ट हूँ, साथ ही योगा ट्रेनर। देखिए, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस समय पर बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा वेट को लेकर परेशानी इस समय पर चल रही है, इस सबसे निजात लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, योग और आयुर्वेद, यानी कि योग और आयुर्वेद का जन्म हमारे भारत में हुआ है और यहीं से इसका प्रकाश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, यानी कि अभी बराबर फैल रहा है। और भैया, आज आपने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ पर जो जो योग के जो टीचर थे उन्होंने आपको सिखाया, क्या सीखा आपने? हमने यही सीखा कि योग के माध्यम से शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, परेशानी हो, उसका इलाज योग है। चाहे बीपी की समस्या हो, चाहे आपको शुगर की समस्या हो, या प्रशिक्षक लोगों ने बताया कि आप इस शुगर को यहाँ से दबाते हो, दबाओगे तो आपकी शुगर होगी, बीपी हाई होगा वो कम हो जाएगा, और अगर लो होगा तो इसको धनुष का अंगुल को दबाओगे तो बीपी हाई होगा, और अंगूठे के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर आपका हार्ट में परेशानी है तो इसको दबा के आप अपने हार्ट को सही कर सकते हो। तो हमारे हाथों में वो सारे इलाज की चीज़ें दे रहे। आगे आने वाला समय योग, प्राकृतिक चिकित्सा, थेरेपी, इन सब का है। देखिए, जो आयुर्वेद है, जो हमारे भारत में जड़ी बूटी पाई जाती हैं,
इनसे आयुर्वेद का निर्माण हुआ है, हमारे भारतवासियों ने किया है। और जो योग है यानी कि पशु पक्षियों की जितनी की मुद्राओं हैं उनको मुद्राओं को देख करके, जैसे कि मयूरासन है यानी कि मोर की मुद्रा करके करते हैं, हंसासन है हंस की यानी कि मुद्रा करते हैं, सर्पासन है सर्प की मुद्रा को करते हैं, इस तरीके से मुद्राओं को यानी कि पशु पक्षियों की मुद्राओं से योग का निर्माण हुआ है। और आज योग दिवस है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सीखा है और बहुत सारी चीज़ें इनको यानी कि हमने प्रयास किया है, उनको यानी कि बहुत सारे पॉइंट बताए हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है कृष्णा नहोवर, मेरा एक छोटा सा गांव है गढ़ी सहजा। आज आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल मैदान चावली में जो योग यहाँ पर कराया इनको, उसका क्या उद्देश्य है? योग का उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण। आने वाले जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, सब युवाओं पर बच्चों पर टिका हुआ है। अगर उनका मन और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो भारत स्वस्थ कैसे होगा? एक हमारा कई वैज्ञानिकों ने इसे सिद्धांत में दिया है, अरस्तु ने भी इसे बोला है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। गीता में इसे योग कर्मश्य कौशलम के नाम से बताया गया है। राधा कृष्ण ने, जो सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने इसे बताया था कि योग एक ऐसी विद्या है जिसे भगवान शिव से लेकर और आज मानव की जब तक जीव और अनंत पृथ्वी रहेगी ये जब तक रहेगा, क्योंकि इसे सात्विक और कर्म और विचार और चरित्र के द्वारा योग से सारे निर्माण होते हैं।